आज इस मुर्गी नाले के मैदान में ये जो जलसा मुनक्किद हुआ है, कभी बचपन का जो है ये एरिया हुआ करता था। यहाँ बचपन में हम भी आते थे, यहाँ बौड़ी थी, बहुत छोटे छोटे थे। और यहाँ पर कदीर भाई बैठे हुए, अरशद साहब बैठे हुए। कदीर भाई की तो डंडे भी हमने खाए हुए हैं कि भाई तू यहाँ नहीं आना, तेरा चचा मेरे को बहुत घूर घूर के देखता, तू यहाँ से चले जाओगे। तो ये सारी यादें जो हैं, ये पुराने सारे शहर को लोगों को देख के याद आ रही है। सत्तर भाई का बर्फ़ देख के याद आ रहा है कि सत्तर भाई के बर्फ़ का गोला या उनका बर्फ़ खाने का जो मज़ा जो स्कूल को जाते वक्त आता था, आज वो चेहरे देख के अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे वो सारी बातें याद आ रही। ये असलम साहब है, कभी हम तू तू मैं कर लेते थे दोस्तानी के अंदर, तो ये सारे लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, वो चेहरे सारे मौजूद है जो मुझे बचपन की सारी चीज़ें याद दिला रहे हैं। अजीज तरीन साथियों, असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं और असेंबली के इलेक्शन के अंदर बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे उम्मीदवार मौजूद थे। 2009 में भी मैंने असेंबली का पूर्व मतदार संघ से इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस ज़माने में जितने बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उसमें से मैं बहुत छोटी हैसियत का इंसान था, बहुत छोटी मेरी सियासी ज़िंदगी भी उस वक्त बहुत छोटी थी। लेकिन अल्लाह ने जो है वहाँ से भी जो है रुसवा नहीं किया और 13,000 के करीब वोट वहाँ से हासिल करके हम निकले। और ये वो 13,000 वोट थे जो औरंगाबाद शहर के मुसलमानों को जगाने के लिए काफ़ी थे। ये जो कांग्रेस एनसीपी ने एक भ्रम फैला के रखा था मुसलमानों के बीच में कि हम लोग जो है चुन के नहीं आ सकते, हमारे पास उतने नंबर नहीं है, यानी उतने वोट नहीं है कि हम चुन के आ सकते हैं, ये 13,000 वोट ने मुसलमानों की सारी गलत फहमियों को दूर कर दिया। और मैं जो बार बार कहता था कि बल में बल हमारा बल, हमारे पास वोट है, हमारे पास वोट रहने के बाद उसके बावजूद भी हम ऐसे लोगों को जो है सत्ता में भिजा देते हैं जिनका 3% का आबादी है इस शहर में, 3% वोट उस दूसरी कम्युनिटी के लिए है। और जब मुसलमान 40% है वो खामोश बैठा तमाशाई देख रहा है और 3% का आदमी जो और बम छुटा दे रहे हैं। अजीज तरीन साथियों, ये तो पहले के वाकया थे, इलेक्शन से पहले मैं 14 से पहले चले गया था, लेकिन 14 के बाद से यहाँ पर अगर मुसलमानों का सियासी शऊर जागा, सियासी इत्तेहाद बना, उसके अंदर इन जावेद कुरैशी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बात यहां से शुरू करूं कि 14 के इलेक्शन हुए, दो पार्टीज के अंदर वोट बटे और हमारा मेंबर ऑफ असेंबली यहां पर चुन के आ गया। लेकिन आप इस बात को भी नोट कर लीजिए कि वो जो 61,000 वोट हमारे को मिले थे वो हमारी जीत नहीं, ये तो हम तकसीम हो गया था, सामने वाला मुखालिफ पार्टीज तकसीम हो गई थी तो हमारी सीट चुन के आ गई। लेकिन हमारे पास वो नंबर आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। इस बात पे गौर करो और इस जरा जहन पे जोर डालो कि आज भी हमारे पास ज्यादा वोट जरूर है, जीतने वाले वोट हमारे पास नहीं। 14 का इलेक्शन हमने देखे, बंटवारे में हम निकल गए। 19 का पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, 19 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में वंचित बहुजन अघाड़ी और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का अलायंस हुआ और यहां से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के गए। और ये बात मैं 24 में चीख मार मार के कह रहा था कि कुछ भी हो जाए पार्लियामेंट की सीट हमारे पास 22% वोट है, सिर्फ 22% से ज्यादा वोट नहीं है कदीर भाई हमारे पास, और 22% वोट पूरे के 22% डाल दिए तो 3.5 लाख वोट हमको मिल जाते हैं और वहां खत्म हो जाता, उससे ज्यादा वोट लेने की हमारी हैसियत नहीं। लेकिन हमको लॉलीपॉप दिया गया कि हमको आदर्श के आ जा रहे, हमको उतने दलित आ जा रहे, उतने मराठे आ रहे, उतने हम का आ रहे, उतने ढम का आ रहे, और हमने पूरे मराठवाड़ा के अंदर शिवसेना बीजेपी की सीट कहीं से आ गई तो इस औरंगाबाद शहर में आ गई। वो क्यों आ गई, अब आप दो डालने वाले वोट है वो लोगों ने गौर करना चाहिए कि हमारी सियासी अकल 22% पे क्यों खत्म हो। अजीज तरीन साथियों, 19 का असेंबली का इलेक्शन था, 19 के असेंबली के इलेक्शन में
इस मध्य का मतदार संघ है, सेंट्रल का मतदार संघ है, यहां से 68,000 वोट लेके हम हार गए। वहीं पूर्व में हम 80,000 वोट लेके हार गए। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेने की जरूरत है कि हमारे पास जीत का नंबर नहीं है। ज्यादा वोट होने के बावजूद भी हमने इंतजार करना कि मुखालिफ पार्टीज के अगर अंदर इंतजार पैदा होता है तो कहीं जाके हमारा चांस लगता है। लेकिन 19 के पार्लियामेंट के रिजल्ट को अगर हम सामने रखें तो वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट जब मुसलमानों के साथ मिल जाता है तो फिर जीत यकीनी हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर असेंबली के इलेक्शन को सामने रखे तो 68,000 वोट लेके यहां से हार गए। अगर वही अमित मुईगढ़ के 27,000 वोट हमारे पास रहते थे तो हम जीतते थे, हम हारते नहीं थे। इस असेंबली के हल्के के अंदर 39% मुसलमानों का वोट है और 16% दलितों का वोट। अब ये 39 और 16 कितने हो रहे हैं आप अंदाजा लगाओ। ये 55% के करीब जा रहे हैं, 55% वोट जा रहे हैं। और यहां पर मुखालिफ पार्टी एनसीपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, बीजेपी हो, मनसे हो, अमके हो, ढमके हो, कोई भी हो, ये पूरे एक जगह भी अगर आ जाते हैं तो हमको हरा नहीं सकते। ये बात भी अच्छी तरीके से समझ लेने की जरूरत है। हमारी जीत यकीनी 100% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत यकीनी है। ये मुख्तसर साथ जो है तजिया मैंने जो है 10 साल के इलेक्शन में, जो 6 इलेक्शन 10 साल में हुए, उसका इसलिए किया कि अभी मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उम्मीदवार हूं और मैं आप लोगों के पास ये गुजारिश लेके आया हूं कि मैं 30,000 से 35,000 वंचित बहुजन आघाड़ी के वोट आपके पास लेके आ रहा हूं। आप मुझको कितना वोट देंगी, आप मुझको कितना वोट देंगी? और अगर हम मुसलमानों के 60% वोट भी एक जगह डाल देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट को कोई हरा नहीं सकता। और आने वाला इलेक्शन का जो मंजरनामा दिख रहा है वो मंजरनामे के अंदर मुझे आज एक पत्रकार कह रहे थे कि आपको कौन सी उम्मीदवार आपको ज्यादा टफ फाइट दे सकता। मैं बोला हमको कोई टफ फाइट नहीं दे सकता। हमको अगर कोई टफ फाइट दे सकता तो औरंगाबाद की अवामी टफ फाइट दे सकती, क्योंकि हमारे पास वो समीकरण है, वो जीत का समीकरण हमारे पास है। अब हम इसको कैसा लेते हैं, कैसा देखते हैं, ये देख लो कि वो मैं वाहिद उम्मीदवार रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस औरंगाबाद शहर में मुसलमान वाहिद उम्मीदवार रहूंगा जो ये दावा कर रहा कि 30,000 से 35,000 वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट आपकी झोली में डाल लेगी। कोई दूसरा उम्मीदवार ऐसा बता देना या उसने ऐसा दावा कर देना कि वो जो गैर मुस्लिम वोट लेके आ रहे। हाँ, अगर कोई आदर्श फादर्श की बात करना तो वो शॉर्ट खत्म हो गया, उसका कोई चांस नहीं है। तो बात सिर्फ यही कहने की है कि हमारे पास, हमने आपके बीच में अलायंस लिए, ये रोक है, प्लेटफॉर्म चेंज करना है आपको, इसको ऐसा पलटा दो। मुसलमान क्यादत जिंदा थी तो जिंदा रहेंगी, हार यहां पर हमारे करीब नहीं आएंगी इंशाल्लाह इस अलायंस की बुनियाद पर। 14 के इलेक्शन के अंदर जब मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला सदर था तो मुझे असद साहब कहते थे कि जावेद हम पश्चिम की सीट नहीं लड़ाएंगे। तो मैं बोला साहब क्यों नहीं लड़ाएंगे, हम कांग्रेस को ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए नहीं लड़ाएंगे कि हमारे वोट ही नहीं है वहां पर, और वहां जहां हमारे वोट नहीं है वहां लड़के क्या फायदा। मैं बोला साहब वो एससी की सीट छुटी हुई है रिजर्वेशन के अंदर और वहां से एक बेहतरीन उम्मीदवार हमारे पास है, हमको उसको लड़ाना चाहिए वहां पे। उनसे कहा गया कौन उम्मीदवार, कि मैं बोला एक्स मिनिस्टर गंगाधर गाड़े साहब। ये दलित मुसलमान इत्तेहाद की नींद भी हमने डाली कि इस औरंगाबाद शहर में ये दो खोमे अगर एक जगह आती है
तो फिर हमारी हार नहीं होती है, फिरका परस्तों को मुंह के बल गिरना पड़ता है। लेकिन हमारी समझ क्यों इधर उधर जा रही है? मैं भी समझता हूं कि आने वाले वक्त में हमने जज्बात में बहुत काम लिया, लेकिन जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, मोदी सरकार जो फैसले हमारे ऊपर थोप रही है, वो फैसलों को रोकने के लिए हमको जीतने वाली सीटों की तरफ जाना पड़ेगा, हारने वाली सीटों की तरफ नहीं, जीतने वाली सीटों की तरफ जाना पड़ेगा। अब असेंबली के अंदर आपकी तकरीर का मायने नहीं रहेगा कुछ भी, कि आप कितना अच्छा असेंबली में बोलते हैं, इसका मायना नहीं कुछ रहेगा। वहां मायना यह रहेगा कि आपके नंबर कितने ज्यादा है वहां पर असेंबली के अंदर। अगर सेकुलर पार्टीज के साथ आपके नंबर ज्यादा है तो आप समझ लिए फिर आपके खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। आज ही जो है सीएए को मंजूरी मिल गई, मुसलमानों के खिलाफ एक और कानून को थोप दिया गया, 3 तलाक के मामले को थोप दिया गया, मॉब लिंचिंग में कत्लेआम का सिलसिला चालू है, फसादात में मुसलमानों का जाली और माली नुकसान चालू है। ये सारी तकालीफ को दूर करने के लिए इसका वाहिद एक हल है, और वो है हल सियासत, कि हम सियासत को किस नजर से देखते हैं। मैं समझता हूं कि आज के वक्त में हमको सियासत को इस नजर से देखने की जरूरत है कि वहां पर नंबर हम किसका बढ़ाते हैं, फिरका परस्तों का नंबर बढ़ाते हैं क्या, उन पार्टीज का नंबर बढ़ाते हैं जो हमारे खिलाफ में कानून नहीं बनाती। वंचित बहुजन अघाड़ी इस बात को लेकर कमर बसता है कि हम जो है हम उन पार्टीज के साथ जाएंगे, उन सेकुलर पार्टीज के जाएंगे, और ये जो हमारे लिए नए नए कानून बन रहे हैं इन कानून को रोकेंगे। और जिस दिन अल्लाह के करम से आप लोगों ने इस नाचीज को एमएलए बना दिया, मुझे इस वक्त इसलिए बहुत शर्म आ रही बोलने को कि ये जितने लोग यहाँ स्टेज पे बैठे हुए यार, सामने भी बहुत सारे लोग हैं जो इनके सामने मैं ये बोल रहा हूं कि मैं एमएलए बनूंगा, क्योंकि ये सब लोगों के सामने का बच्चा हूं मैं, बहुत छोटा बच्चा हूं, पूरा बचपन इनके साथ गुजरा है मैं। और मैं आज ये दावा कर रहा कि आप मुझे एमएलए बना दो। इन्होंने मुझे चट्टी में देखा, और बास वक्त तो ऐसा होता है, इसमें कदीर भाई मौजूद है, हम जाते थे कदीर भाई चट्टी खींच लेते थे नीचे हमारे, मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। तो अजीज तरीन साथियों, कहने का मकसद ये है कि मैं आपके बीच का इंसान हूं, मेरी जितनी 30 साल मिली सियासी मजहबी और समाजी जिंदगी रही है, ये 30 साल में मैंने जो है पूरी जो है मिल्लत की खिदमत की। वो आजमाइश का दौर क्यों नहीं होता हो, वो जेल में जाने का मामला क्यों नहीं होता हो, या मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए बंबई पैदल जाने का सफर क्यों नहीं होता हो, या दुनिया के फसाद में इस्तीफा देने वाला अमल क्यों नहीं होता हो, ये सारी एक्टिविटी आपको इस बात के लिए आमादा करेंगी कि ये उम्मीदवार ने मिल्लत के लिए कुर्बानी दिया है, इसको वोट देना चाहिए। ये वक्त था जब एमआईए मार रही थी यहां पे, तो इसको हाथ में पकड़ने के लिए लोग डर रहे थे, इसको स्टिकर छिटकाने के लिए लोग डर रहे थे। जब लगर उस वक्त अगर हम अगर नहीं रहते थे, तो जो लोग एमआईएम के दावे कर रहे हैं वो तो पुलिस के एक पैर पटकने से भाग जाते थे, लेकिन अल्लाह का करम था, मिल्ली जज्बा मौजूद था, दीनी शऊर मौजूद था, हमने जो है उस जमात को पकड़ा, उस मिल्ली जमात को समझ के पकड़ा। लेकिन क्या वक्त क्या बात आ गई है कि 60-65 हजार वोट जो हलके में है, वहां से वो सदर कहता था कि यहां से उम्मीदवारी नहीं देंगे, और इसलिए नहीं देंगे कि यहां पर हमारे नंबर नहीं है, मतलब हमारे वोट नहीं है। और आज क्या बात हो गई है कि 35 हजार मुसलमान जहां है वहां हमारी उम्मीदवारी। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है अजीज तरीन साथियों, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत जो है भयानक होने वाला है। वो शिवसेना बीजेपी के कारपोरेटर जो हमारे साथ दोस्ताना माहौल में कारपोरेशन में रहा करते थे,
आज वो एमएलए बन गए तो वह कहते हैं कि हम औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबरों को उखाड़ देंगे। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस रामगिरी महाराज ने बेहुरमती की है हम उसकी तायीद करते हैं। तो क्या हमको उनसे दोस्ताना रखना जरूरी है? क्या हम उनके पास दोस्ताना जाएंगे? अगर कोई शख्स ये करता है तो आप अपने ईमान को टटोलो, अपने ईमान का एहतसाब करो। मैं तो उलमा इकराम से कहता है ऐसे ऐसे इंसान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उस पुढ़ारी का, उस पाखंडी का, उसकी ताईद करते हैं और उसके बाद उससे दोस्ताना कायम रखते हैं तो मर जाना चाहिए उनको। अल्लाह की अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उनके अंदर कहीं बाकी नहीं है। आज वक्त आ गया है कि मुसलमानों को इस समीकरण के साथ जाने की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर जो दूसरी मजाहब के लोग हैं वो मुसलमानों को वोट नहीं देते। क्या मारवाड़ी समाज आपको वोट देता? क्या मराठा समाज आपको वोट देता? क्या हिंदू ओबीसी आपको वोट देता? जो कौम आपको वोट देने के लिए कमर बस्ता है तो फिर उसके साथ जाने में हमारे को क्या हिचकिचाहट है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है फिर हमारे साथ? मैं समझता हूं हमको कोई परेशानी नहीं है। 2019 में जिस कौम ने एक मुसलमान को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया और आज ये वो ये दावा कर रहा है कि जावेद कुरैशी हमने तुम पे भरोसा किया, तुम जाओ तुम्हारी कौम के बीच में और बोलो कि मुझको वोट दो, मैं 30,000 वोट लेके आ रहा, मैं 35,000 वोट लेके आ रहा। प्रकाश अंबेडकर साहब ने, मैंने कहा था कि साहब मैं मध्य पूर्व से इलेक्शन लड़ता हूं क्योंकि पिछले 2009 में मैंने पूर्व से इलेक्शन लड़ा था। वो मुझसे कहते जावेद कुरैशी तुम पूर्व से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तुम मध्य से इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं बोला उसकी वजह था क्योंकि मध्य के अंदर 70,000 वंचित बहुजन अघाड़ी का वोट। अब ये 70,000 वोट है उसके अंदर से 30-35,000 का वोट वो दावा कर रहे हैं कि वो हमको देंगे तो फिर मुझको वोट देने में आपको क्या तकलीफ आ रही है? सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चंद गुजारिशात आपके पास लेके आया था मैं कि 20-25 साल से सियासी खिदमत में मिल्लत की कर रहा हूं, उससे पहले मिल्ली खिदमत में बहुत पेश रहा हूं, बहुत मरतबा जेल की सोबत है भी इसकी वजह से हमारे को झेलना पड़ी। ये सारे कारनामे आप लोगों के सामने। अभी जैसा मतीन पटेल ने कहा कि मुझके ऊपर कोई दाग दिखा के बताओ, औरंगाबाद शहर में कोई ऐसा आदमी ला के बता दो मेरे सामने कि मैंने किसी की जमीन पर कब्जा करा अपनी कारपोरेटरशिप के अंदर, कोई ऐसा आदमी ला के बता दो कि उससे मैंने पैसे लिया और उसको पैसे वापस नहीं करा, कोई ऐसा आदमी ला के बता दो कि जिसको मैंने धोखा दिया। कोई साबित नहीं कर सकता, कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने इसका लेके खा लिए, उसका डुबा लिए, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिए, कहीं नहीं। लेकिन मैं पिछले उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, जिस दिन आएंगे वो सामने उनका चट्टा कट्ठा भी आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद आपने फैसला करना कि उम्मीद कौन से उम्मीदवार को आपको वोट देना है। और मैं आपसे फिर एक वादा कर रहा हूं कि जिस दिन मैं असेंबली में आप लोगों ने मुझे भेज दिया, मेरा असेंबली में आए पहला अल्फाज अगर कोई निकलेगा तो पैगंबर बिल के खिलाफ निकलेगा। तो पैगंबर बिल मंजूर होना चाहिए। इतने एमएलए क्यों नहीं हो रहा, इतने सेकुलर एमएलए क्यों नहीं हो रहा? जावेद कुरैशी की असेंबली के अंदर अगर कोई पहली आवाज निकलेगी तो वो पैगंबर बिल के लिए निकली। दूसरा जो मामला है वो हमारे शहर के डेवलपमेंट का है। हम देख रहे हैं कि इस 10 सालों के अंदर, इस 12 सालों के अंदर, जहां 10 साल पहले हमको एक दिनार दो दिनार पानी आता था, आज 10 दिनार 8 दिनार पानी आ रहा। तो कहां क्यादत कर रही क्या? वो लीडरशिप जिसको इतने भरोसे से हमने सजा के भेजा था वो कर रहे क्या वो लोग? तो हमारा पहला शहर के अंदर
अगर अल्लाह के करम से कामयाबी हासिल होगी तो पहला मुद्दा रहा कि जल्द से जल्द एक दिन और पानी आपको के अंदर साफ पानी आपके अंदर मिल जाए। ये वक्फ तरमीम बिल जिसपे बुरी नजर हुकूमत की है इसके खिलाफ लगाना, और मैं समझ रहा हूं कि ये जो मध्य का मतदार संघ है हमारा, ये बड़ा तारीखी मतदार संघ है। इसको अगर हम देखें तो पंचक्की मतदार संघ में, अगर इसको हम देखें मकबरा इस मतदार संघ में, अगर इसको देखें तो 52 दरवाजे इस मतदार संघ के अंदर, ये बहुत तारीखी जो है हमारा मतदार संघ है। इस तारीखी मतदार संघ को तारीखी बनाने के लिए, चमकाने के लिए एक मुखलिस उम्मीदवार की जरूरत है, मुखलिस लीडर की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लोग यहां पर पंचक्की देखने आते हैं या मकबरा देखने के आते हैं, उनको रहने के लिए अच्छी सहूलत नहीं मिल पाती है। अगर बंबई में आप देखें तो मुसाफिर खाने हुआ करते हैं, आज भी है कि लोग कम पैसों के अंदर वहां रहते हैं और फिर बॉम्बई उम्बई घूम के वापस चले जाते हैं। मेरा एक एम ये भी है कि यहां पर एक बेहतरीन मुसाफिर खाना हो, कि जो लोग यहां पर्यटन जो लोग आए यहां पर देखने के लिए, उनके लिए जो है ये सहूलत मुहैया हो कि वो कम पैसों के अंदर अच्छी सहूलत के साथ यहां रहे 2 दिन 4 दिन 8 दिन और उसके बाद यहां से चले जाए। तीसरा जो बड़ा मुद्दा है मेरा, कि आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद शहर चारों तरफ से फैल रहा है, यहां पर इंडस्ट्री की भाग दौड़ बढ़ रही है। वालू जाया, शेंद्रा आया, अभी बिरकिन के अंदर कॉरिडोर का काम चालू है और बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर आ रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो नौजवान हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं, ये वो नौजवान जो पढ़े लिखने के बाद भी उनकी नौकरियां नसीब नहीं हो रही है, सबसे पहले हम उन कंपनियों से गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले आप औरंगाबाद शहर के आपके रिक्वायरमेंट के लिए जो लोग चाहिए आप औरंगाबाद शहर से लीजिए, उसके बाद आप बाहर जाइए, आपको अगर लोग नहीं मिल रहे हैं, ये एक मुद्दा रहेगा। नौकरी करो, नौकरी थोड़ी मिलती है गवर्नमेंट की, तो फिर क्या मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो मैं तुम आपको क्या नौकरी दिलाने को आया क्या? इस किस्म की बातें भी लीडरशिप ने की है, अब किसने की है आप सर्च करो यूट्यूब पर, सब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत बुलंदान दावे नहीं करता, लेकिन 5 चीजें मिसाल के तौर पे आम खास का मैदान, ये हमारे बचपन से हम यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते, मौलाना आजाद हमारा स्कूल हुआ करता था तो सारा दिन हमारा वहां जाता था। कभी माँ बाप को धोखा देके डुम्मा मारने का रहा तो वही फसील के पास ही इधर उधर घूमते थे हम। तो ये आम खास मैदान जो है इसको एक बेहतरीन स्टेडियम की शक्ल देना चाहिए, और मैं ये आज से नहीं कह रहा हूं, मैं 2009 से कह रहा हूं। रोशन गेट के अंदर एक जमीन है हमारी, गिरनी के रोशन गेट के बाजू गिरनी की जमीन है, वो आज भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए रिजर्वेशन में, लेकिन आज भी कोई लीडर ने उसके तरफ नजर नहीं डाला। जब जो मिनिस्टर हुआ करते थे उनसे मैंने 50 मरतबा कहा कि मैं कारपोरेटर है साहब, ये रिजर्वेशन में यहां एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स बनो, तो जाहिर ये प्राइवेट लैंड है बोले, इसको खरीदने में लाखों रुपए लगेंगे, तो मैंने फिर आपको गवर्नमेंट में काहे को भेजे, हमने गवर्नमेंट से पैसा लेना है और देना है और बनाना है। एक कोशिश मेरी यह रहेगी कि यहां स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि आम खास मैदान से स्टेट में जाने वाले हमारे क्रिकेट प्लेयर भी निकले हैं और फुटबॉल प्लेयर भी निकले हैं। इकबाल सिद्दीकी हमारे सामने एक मिसाल सामने है, दूसरा हबीब हमारे सामने है मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये दो नौजवान हमारे सामने है कि इन्होंने नेशनल क्रिकेट खेला है, तो इस जो है आम खास मैदान के अंदर बेहतरीन स्टेडियम बने, ये मेरी जद्दोजहद रहेंगी। और ये अगर ये 5 साल ये कामयाबी अगर अल्लाह ताला इसमें देता है तो ये सारे बड़े बड़े काम सिर्फ 5 साल के अंदर करके जाएगी। आने वाला वक्त रहे क्या रहेगा पता नहीं, लेकिन हम जाएंगे जरूर इंशाल्लाह। बस यही चंद गुजारिशात लेके आपके बीच में आया हूं कि आपका बच्चा हूं, आपके महल्ले का बच्चा हूं, आप इस बार जो है मुझको आजमाइए इंशाल्लाह, एक बार आजमाइए, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, ये इस वादे के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि मुझे शाहरुख खान नहीं बनना है, मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना, मैं जमीन का इंसान हूं,
आखिरी तक जमीन पर रहूंगा। मुझे शौक नहीं है कि मैं कोई सेलिब्रिटी बन जाऊं, कोई बड़ा इंसान बन जाऊं या खुद साख्ता शाहरुख खान बन जाऊं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं। तो अजीज तरीन साथियों, ये चंद गुजारिश आपके भी साथ में था, और अगर आप ऐसा लगता है कि मेरी बातें आपको सही लगती है तो आप मुझे वोट दीजिए इंशाल्लाह, और वंचित बहुजन अघाड़ी का वोट मेरे साथ में, आपका वोट उसके साथ लग जाएगा तो ये जीत इंशाल्लाह यकीनी हो जाएगी। ये समीकरण भी मैंने आप लोगों तक बोला। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। वालेकुम रहमतुल्लाह। जावेद कुरैशी साहब का जो है ज़्यादा तारुफ नहीं कराता हूँ कि मेरे अपने पड़ोसी, मेरे अपने महल्ले के जिम्मेदारों में से है। अभी एक साहब मिले थे दोपहर में मेरे को, उन्होंने बोले बेटे क्या है, हवा किसकी है, कैसी है? पहले मतलब मेरा भाई और बाद में सब कुछ। तो बोले वो कौन? मतलब वो जावेद कुरैशी। पहले लोगों के लिए हमने किए मेहनत, अब इंशाल्लाह और बाहर वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट लाना है, कुछ करना है, तो जाओ उनके घर के चक्कर काटो। मतलब यहाँ कैसे मुंडी उठा के देखो, जावेद भाई का घर बैठ के देखे थे, जावेद भाई के होटल। और मतलब तारुफ को मोहताज है नहीं वो बंदा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्वालिटी है उनमें। पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, सब उसमें जो आदमी प्रॉपरली फाइट करके काम अपना मना के लेने वाली क्वालिटी है। और मेरे महल के लोग को तो ज़्यादा जावेद भाई का तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बेहतर जानते सब लोग कि जावेद भाई का नेचर क्या है। बस मैं इतना बोलूँगा कि अपने को जो है अपने इनके उनके लिए बहुत मेहनत की, अब अपने महल्ले से खड़े हुए हैं, उनको अपने को मदद कर कर एक मुकाम पर पहुँचाना है, और उसमें फिर जो है आश्वासन देना, वो चीज़ जावेद भाई के पास नहीं है। जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, नहीं होता देखते इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो हमारी आपसे सभी लोग से अदमन गुजारिश है कि जावेद कुरैशी साहब के हाथ मजबूत कर कर इन्हें अपने को मुंबई भेजना है एज ए आमदार बनाकर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का वक्त है और सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, वैसे ही वंचित बहुजन अघाड़ी ने आपके जानी जनाब जावेद कुरैशी साहब को डिक्लेयर किया है। आप जानते हैं अगर एनसीपी की बात करें तो लोग सोचते हैं कौन सी एनसीपी, अजीत दादा वाली एनसीपी या शरद पवार वाली एनसीपी। बात आती है कांग्रेस की तो लोग सोचते हैं 70 साल पुरानी वाले कांग्रेस या आज की मुसलमानों को अल्पसंख्यक बोलने वाली कांग्रेस। बात आती है शिवसेना की तो लोग सोचते हैं अजीत दादा वाली, शिंदे वाली शिवसेना या बाल ठाकरे वाली शिवसेना। वैसे में एक भरोसेमंद पार्टी जिसको हम यकीन के साथ बोल सकते हैं क्या, वो आज भी पूरे यकीन के साथ औरंगाबाद को औरंगाबाद बोलती है, वो है वंचित बहुजन अघाड़ी। ऐसी पार्टी ने हमारे और आपके बीच में जनाब जावेद कुरैशी साहब को एक उम्मीदवार दिया है। पिछले कुछ दिनों पहले एक पत्रकार ने जनाब जावेद कुरैशी साहब से बाड़ा साहब के सामने पूछा, बाड़ा साहब जनाब जावेद कुरैशी साहब क्या आपने वंचित बहुजन अघाड़ी क्यों ज्वाइन की, और वंचित बहुजन अघाड़ी में आपने ऐसा क्या देखा जो इतने सारे पार्टियां सेकुलर होने के बाद में वंचित बहुजन अघाड़ी को आपको ज्वाइन करना पड़ा। तो जनाब जावेद कुरैशी साहब ने एक ही अल्फाजों में, एक ही जवाब में कहा क्या, मैंने वंचित बहुजन अघाड़ी में एक चीज देखा है, पिछले 70 सालों में हमारे बीच में हजारों एमपी, हजारों एमएलए मुस्लिम आए और मुस्लिम गए, सैकड़ों मुस्लिम पार्टी आई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, और गुस्ताखी करने वाला झटके में पुलिस स्टेशन में जाने के पहले घर पर आ जाता है। तो ऐसे में किसी ने यह नहीं सोचा कि कोई कानून बनाया जाए। तो जनाब जावेद कुरैशी साहब ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के एडवोकेट बाड़ा साहब ने पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र असेंबली में एक बिल पेश किया जिसका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद बिल, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो भी गुस्ताखी करेगा उस बिल के तहत, सेशन का है कमेंट के तहत, वो सीधा जेल जाएगा। ऐसा बिल प्रकाश अंबेडकर साहब ने असेंबली में पेश किया। मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी में दाखिल होने के लिए इससे बड़ा कोई अल्फाज नहीं है कि मैं ये बिल, जो प्रॉफिट मोहम्मद बिल जिसने पेश किया, उसी लिए मैंने ये देखकर वंचित बहुजन अघाड़ी में ज्वाइन किया। जब तमाम महाराष्ट्र में
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने के लिए लोग डर रहे थे, लोग कन्या काट रहे थे। ऐसे में जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर जाते हैं और तमाम दंगों को रोकते हैं। इसीलिए मैंने वंचित बहुजन अघाड़ी ज्वाइन किया। ये जनाब जावेद कुरैशी साहब ने तमाम चीजें गिनवाई, उतने में प्रकाश अंबेडकर साहब ने भी कहा आपने जनाब जावेद कुरैशी साहब से तो पूछ लिया, मुझसे भी पूछना चाहिए कि जनाब जावेद कुरैशी साहब को मैं टिकट दे रहा हूं तो क्या काबिलियत है। तो जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा कि वो ये जावेद कुरैशी है जो अपने समाज के लिए बंबई से औरंगाबाद मुस्लिम आरक्षण के लिए पैदल जाता है, इसीलिए मैंने टिकट दिया हूं। ये वो जावेद कुरैशी है जिन्होंने अपने समाज के लिए अपनी नगर सेवक पद होते हुए कोई भी शख्स, हमारे पास में भी कई दंगे हुए, अभी पिछले साल यहां ही हुआ था अपने पास में, 3 बच्चे शहीद हुए, किसी नगर सेवक ने एक मेमोरेंडम नहीं दिया, लेकिन जावेद कुरैशी साहब ने दुनिया के दंगे के वक्त अपने पद से इस्तीफा दिया था। अच्छे समाज के नेता को मैं टिकट ना दूं तो फिर किसे दूं। आप सभी जानते हैं जमात जनाब जावेद कुरैशी साहब के कुर्बानियां बहुत है। जनाब जावेद कुरैशी साहब ने सियासत को हमेशा इबादत की तरह किया है, कभी तिजारत की तरह नहीं किया है। और जनाब जावेद कुरैशी के लिए आप सब जानते हैं जनाब जावेद कुरैशी पूरे शहर में, जावेद कुरैशी को आप एक वोट नहीं देना, अगर कोई जनाब जावेद कुरैशी साहब को एक दाग लगा दे क्या मेरी जनाब जावेद कुरैशी की तरफ एक इन जमीन है, मेरा एक रुपया खाया है, इसी ने कोई गद्दारी की है, ऐसा एक भी डाक जनाब जावेद कुरैशी के आंग पर नहीं है। और ऐसे उम्मीदवार को वंचित बहुजन अघाड़ी ने टिकट दिया है। बस मैं इतना कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.
है।